नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, तो कितना अच्छा हो अगर मैं आप लोगों को यह कहूं कि एक ऐसा मैजिकल टेलीपैथी मेडिटेशन होता है, जिस मैजिकल टेलीपैथी मेडिटेशन को करके या सिर्फ पूरा सुनकर आप लोग अपनी कोई भी इच्छा पूरी कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपके बॉयफ्रेंड ने या आपकी गर्लफ्रेंड ने आपको ब्लॉक कर दिया है, तो इस मैजिकल टेलीपैथी मेडिटेशन को करने पर वह खुद तुरंत उसी समय आपको अनब्लॉक कर देंगे। वह खुद चलाकर पहले आपको कॉल भी करेंगे। इस मैजिकल टेलीपैथी मेडिटेशन की हेल्प से कोई भी विश एकदम आसानी से पूरी हो सकती है, जैसे कि किसी भी मनचाहे इंसान के दिल में खुद के लिए प्यार जगा सकते हैं, किसी भी एकदम खराब हो चुके रिश्ते को फिर से हद से ज्यादा प्यार भरा बना सकते हैं, या फिर अगर आप ऐसा चाहते हैं कि आपका बॉयफ्रेंड या आपकी गर्लफ्रेंड आपकी हर एक बात को माने, वह हर दम आपकी वैल्यू करे, वह आपको अनकंडीशनल लव करे, उनके माइंड में हर समय आप ही रहे, उनको सोते जागते हर समय आपके ही ख्याल आए, वह सिर्फ और सिर्फ आपको ही प्यार करे, वह आपकी कही हुई हर एक बात को माने, वह खुद चलाकर आपको शादी की कमिटमेंट दे। तो अगर आप लोग ऐसा कुछ भी चाहते हैं, तो आज का यह मैजिकल मेडिटेशन वीडियो आप लोगों के लिए है। इसलिए आज की इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। इस वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में आई एम रेडी टू मैनिफेस्ट एवरीथिंग, थैंक यू यूनिवर्स जी जरूर से लिखना। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर मेरी यह एक बात ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग एक ऐसी मेडिटेशन टेक्निक को यूज करने जा रहे हैं, जिस मेडिटेशन को करने पर जिस भी इंसान के लिए आप इस मेडिटेशन को करेंगे, उस इंसान के साथ आपका एकदम डायरेक्ट कनेक्शन बिल्ड हो जाएगा या कनेक्शन स्थापित हो जाएगा, फिर चाहे वह इंसान आपसे कितना ही दूर क्यों ना बैठा हो। क्योंकि यह पूरा मेडिटेशन एक गाइडेड मेडिटेशन है, इसलिए पूरे फेथ के साथ इस मेडिटेशन को करने पर यह पूरा यूनिवर्स, यह पूरा ब्रह्मांड आपके लिए काम करने लगता है। इसलिए इसको करना एकदम आसान है। इसलिए इसको करने पर आपकी कोई भी इम्पॉसिबल से इम्पॉसिबल विश जो बहुत दिन से पूरी नहीं हो रही है, वह इम्पॉसिबल विश भी एकदम आसानी से पूरी हो जाएगी। इसलिए पूरे विश्वास के साथ, इसलिए पूरे फेथ के साथ इस जादुई टेलीपैथी मेडिटेशन को करे, क्योंकि बिना विश्वास के कोई भी टेक्निक कभी भी ठीक से वर्क नहीं करती है। इसलिए अगर आपके मन में कोई भी ऐसे डाउट चल रहे हैं कि मेरी इच्छा कैसे पूरी हो सकती है, उसने तो मुझे छोड़ दिया है, उसने तो मुझे ब्लॉक कर दिया है, मेरा बॉयफ्रेंड तो मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता है, वह तो किसी और से प्यार करने लगा है, मेरी विश पूरी होगी कि नहीं होगी, मेरे बॉयफ्रेंड का प्यार मुझे कैसे मिल सकता है, तो आपको ऐसे नेगेटिव थॉट्स, ऐसे नकारात्मक विचारों से आपको दूर रहना है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन पूरी तरह से आस्क बिलीव एंड रिसीव पर वर्क करता है। पूरे विश्वास के साथ इस मैजिकल मेडिटेशन को मेरे साथ करें, फिर इस मेडिटेशन का जादू देखें। पर अगर आप अपने बॉयफ्रेंड या अपनी गर्लफ्रेंड को बहुत प्यार करते हैं, उनके बिना आप बिल्कुल भी रह नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे में आप इस वीडियो पर बने रहे। इस वीडियो के बीच में कहीं पर मैं आप लोगों को एक ऐसी एडिशनल टिप्स दे दूंगी, एक ऐसा जादुई तरीका बता दूंगी, जिसको करने पर यह मेडिटेशन और भी ज्यादा शक्तिशाली या और भी ज्यादा पावरफुल बन जाएगा, इसलिए यह और भी जल्दी वर्क करेगा। तो चलिए अब हम लोग एक साथ मिलकर उस इंसान के लिए पूरे दिल से इस जादुई मेडिटेशन को करते हैं, जिस इंसान का प्यार आप पाना चाहते हैं। इस मेडिटेशन को करने के लिए एकदम आराम से कहीं पर बैठ जाए, या फिर आप चाहे तो कहीं पर लेटकर भी इस मेडिटेशन को कर सकते हैं। इसके बाद आप अपने शरीर को एकदम ढीला छोड़ दे, एकदम ढीला, एकदम रिलैक्स हो जाए। इसके बाद एकदम आराम से, एकदम आराम से, एकदम रिलैक्स वे में कम से कम 3 एकदम लंबी और गहरी सांस ले, फिर एकदम आराम से एकदम घिरे घिरे यह सोचते हुए सांस को छोड़े कि जैसे जैसे मैं इन सांसों को छोड़ रही हूँ, ठीक वैसे वैसे मेरे सबकॉन्सियस माइंड में या मेरे अवचेतन मन में हम दोनों के रिश्ते को लेकर जितने भी नकारात्मक विचार हैं, हम दोनों के रिश्ते को लेकर जितने भी नेगेटिव पैटर्न हैं, वह सब एक एक करके मेरे माइंड से, मेरे पार्टनर के माइंड से एक एक करके सांस के साथ बाहर निकल रहे हैं, हमेशा हमेशा के लिए
मैं अब बहुत शांत महसूस कर रही हूँ, एकदम शांत, एकदम रिलैक्स। तो अब मैं अपनी मन की आँखों से यह बिल्कुल साफ साफ देख रही हूँ कि मेरी लाइफ बिल्कुल वैसी है जैसी लाइफ में जीना चाहती हूँ। हम दोनों का यह प्यार वाला रिश्ता बिल्कुल वैसा है जैसा मैं चाहती हूँ, एकदम वैसा। हम दोनों का यह प्यार वाला रिश्ता एकदम गहरा है, बहुत बहुत गहरा। मेरे पार्टनर के मन के अंदर से वह सारी नेगेटिविटी एक एक करके पूरी तरह से बाहर निकल रही है, जिस नेगेटिविटी की वजह से हम दोनों का यह प्यार वाला रिश्ता खराब हो रहा था। जिस नेगेटिविटी की वजह से वह मुझे अनदेखा कर रहा था, वह मुझको फोन कॉल नहीं कर रहा था, वह मुझसे दूर जा रहा था, या फिर वह मुझे शादी की कमिटमेंट नहीं दे रहा था। इसी समय ऐसी सारी नेगेटिविटी मेरे माइंड के अंदर से, मेरे पार्टनर के माइंड के अंदर से एकदम दूर हो रही है, एकदम दूर, हमेशा हमेशा के लिए। तो अब मुझको अंदर ही अंदर मानो ऐसा महसूस हो रहा है, मानो जैसे यह पूरा यूनिवर्स, यह पूरा ब्रह्मांड, सारे डिवाइन पावर्स हम दोनों को हरदम के लिए एक कर रहे हैं, हम दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं, हम दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए कभी ना खत्म होने वाला एकदम सच्चा प्यार भर रहे हैं। तो अब मुझको एकदम दिल से ऐसा महसूस हो रहा है, ऐसा फील हो रहा है जैसे कि यूनिवर्स के आशीर्वाद से, डिवाइन पावर्स की ब्लेसिंग से हम दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार बढ़ता ही जा रहा है। हम दोनों का एक दूसरे से एकदम दिल से दिल का रिश्ता है। मैं मेरे बॉयफ्रेंड को एकदम दिल से एकदम सच्चा प्यार करती हूँ, मेरा बॉयफ्रेंड भी मुझको एकदम दिल से एकदम सच्चा प्यार करता है। मेरे बॉयफ्रेंड के दिल में मेरे लिए प्यार बढ़ता ही जा रहा है। मेरे बॉयफ्रेंड को मेरे साथ टाइम स्पेंड करना, मुझको अपनी बाहों में भरकर प्यार करना, एक दूसरे की दिल की धड़कनों को महसूस करना बहुत बहुत अच्छा लगता है। हम दोनों का यह प्यार वाला रिश्ता डिवाइनली गाइडेड है, डिवाइनली प्रोटेक्टेड है। हम दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए एकदम अनकंडीशनल लव है, एकदम निस्वार्थ प्रेम है, कभी ना खत्म होने वाला प्यार है। हम दोनों एक साथ है, हम दोनों एक साथ थे, हम दोनों हमेशा एक साथ ही रहेंगे। यूनिवर्स ने हम दोनों को एक दूसरे को प्यार करने के लिए ही बनाया है, इसलिए यूनिवर्स में मौजूद कोई भी शक्ति, इस पूरे ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति हम दोनों को एक होने से कभी भी नहीं रोक सकती है। मैं और मेरा बॉयफ्रेंड एक दूसरे को प्यार करते थे, एक दूसरे को प्यार करते हैं, एक दूसरे को हमेशा प्यार करते रहेंगे, इसलिए हम दोनों एक साथ हैं। हम दोनों एक साथ थे, हम दोनों हमेशा एक साथ ही रहेंगे। तो अब मैं अपनी मन की आँखों से यह बिल्कुल साफ साफ देख रही हूँ कि मेरे बॉयफ्रेंड को एकदम अचानक से मेरी बहुत याद आ रही है, उसे वह सुनहरे पल याद आ रहे हैं जो सुनहरे पल हम दोनों ने एक दूसरे के साथ बिताए थे, एक दूसरे की बाहों में बिताए थे। मेरे बॉयफ्रेंड को अब हम दोनों की यह दूरियां एकदम भी बर्दाश्त नहीं हो रही है, इसलिए वह खुद को एकदम अकेला महसूस कर रहा है, इसलिए वह मुझसे मिलना चाहता है, वह मुझसे अपने दिल की बात करना चाहता है। हम दोनों के बीच जो दूरियां आ गई है, वह उन दूरियों को हरदम के लिए पूरी तरह से खत्म करना चाहता है, इसलिए अब वह अपने फोन को उठा रहा है। वह अपने फोन की कॉन्टैक्ट लिस्ट में मेरा नाम शिवांगी सर्च कर रहा है, वह मुझको अनब्लॉक कर रहा है, वह इसी समय मुझसे बात करना चाहता है, इसलिए वह मुझको फोन कर रहा है। तो अब मुझको अपने मोबाइल फोन पर उनके फोन की रिंगटोन सुनाई दे रही है। मैंने जैसे ही अपने फोन को उठाया, जैसे ही मैंने यह देखा कि यह तो मेरे पार्टनर का फोन है, मैं एकदम खुश हो गई, मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई है। मैंने खुशी खुशी उनके कॉल को रिसीव कर लिया है। हम दोनों के बीच बहुत अच्छी बातें हो रही है, प्यार भरी बात हो रही है, वह मुझसे मिलने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मैंने भी खुशी खुशी उनको हाँ बोल दी है। तो अब मेरे दिल को एकदम अंदर से सुकून महसूस हो रहा है, इसलिए मैं एकदम दिल से यूनिवर्स का आभार व्यक्त कर रही हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, हम दोनों के इस प्यार वाले रिश्ते को फिर से इतना खूबसूरत बनाने के लिए। थैंक यू यूनिवर्स, उनके दिल में मेरे लिए फिर से एकदम सच्चा प्यार जगाने के लिए। थैंक यू यूनिवर्स, उनको मेरी याद दिलाने के लिए। थैंक यू यूनिवर्स, मेरे फोन पर उनका फोन कॉल लाने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो अगर आप इस टेलीपैथी मेडिटेशन को और भी ज्यादा शक्तिशाली या पावरफुल बनाना चाहते हैं,
तो इस टेलीपैथी कॉल मेडिटेशन को सुनते समय या करते समय खुद के राइट हैंड में सिद्धमन मोहिनी बूटी को जरूर से रखें। ऐसा करने पर यह टेलीपैथी मेडिटेशन और भी ज्यादा शक्तिशाली बन जाएगा। इस वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर से करना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।